हेलो प्यारे बच्चों, तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का नेक्स्ट लेक्चर। लेंगे कुछ क्वेश्चंस और पढ़ेंगे कुछ कॉन्सेप्ट्स। चलिए करते हैं स्टार्ट। प्यारे बच्चों, कल मैंने आप लोगों को बताया था आपका फोर्स ऑन आपका मैग्नेटिक, अब सुनिए, मैग्नेटिक फोर्स जो लगता है आपका चार्ज के ऊपर, वो तो आपको पता ही है कितना होता है, क्यू वी साइन थीटा, क्यू वी क्रॉस बी होता है। ठीक, अपार्ट फ्रॉम दिस मैंने आप लोगों को बताया था आपका अगर केवल चार्ज ना हो, चार्ज मतलब चार्ज हो, मैग्नेटिक फील्ड हो, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फोर्स लगता है, इसको मैग्नेटिक फोर्स बोला था, कितना होता है, क्यू वी बी साइन थीटा। ठीक है, आप कहेंगे यस सर जी, मैं आपको पीछे की कहानी दिखा देता हूँ। ये हमने कल न्यूमेरिकल्स लिए थे, यस मास्टर जी, और ये हमने कल हमने देखा था, साथ में लोरेंट्स फोर्स का कंसेप्ट भी पढ़ लिया था। लोरेंट्स फोर्स का कंसेप्ट क्या बताया था लोरेंट्स फोर्स में, उसमें बताया गया था कि सर हाँ जी, कि अगर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड भी है वहां पर मैग्नेटिक फील्ड, दोनों जो नेट फोर्स हो रहा होगा वो आपका लोरेंट्स फोर्स कहलाता है। ठीक, आप कहेंगे बिल्कुल सर, ये बात हमने पढ़ ली थी। उसके बाद मैंने आप लोगों को बताया था फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर, कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है उसके ऊपर आपका जो फोर्स लग रहा होगा वो कितना हो रहा होगा। ठीक है, वो आपका आई एल क्रॉस बी होता है। अगर आई एल बी क्रॉस के चक्कर में ना पढ़ नहीं पढ़ना नहीं चाहते इनसे बचना, तो आप क्या करो, जिधर डायरेक्शन है आपकी करंट की, ठीक है, यस सर, जिधर आपके डायरेक्शन है आपके मैग्नेटिक फील्ड की, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अपने राइट हैंड की थप उंगलियों को करो, चारों उंगलियों को, और थंब को स्ट्रेच कर दो, इसके ऊपर परपेंडिकुलर कर दो। ठीक है, थंब को आप स्ट्रेच कर देना है ऐसे, जिधर राइट एंगल है अब उस राइट एंगल पर एक दूसरे के, ऐसे ऐसे नहीं, ऐसे नहीं कर देना, करो इधर भी इधर नहीं। ठीक है, आपकी फिंगर्स जो है, आपकी फिंगर्स की डायरेक्शन क्या बताएगी, आपका बताएगी सर जी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, आपका थंब क्या आएगा, थंब इसके परपेंडिकुलर स्ट्रेच कर देना है, थंब को तुम कैसे नहीं रखना, ऐसे स्ट्रेच कर देना, स्ट्रेच पीछे परपेंडिकुलर होगा, यस सर, ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। तो आपका जो थप्पड़ है, थप्पड़ क्या होता है, डायरेक्शन ऑफ फोर्स, कोई वायर है, कोई वायर में करंट ऐसे जा रहा है, आई सी मैग्नेटिक फील्ड ऐसा ऊपर की तरफ है, ऊपर तो फोर्स इधर जाए, समझ में आ गई बात, इधर। ठीक है, यस सर जी, तो इसके ऊपर हमने कुछ क्वेश्चन लिए थे। अपार्ट फ्रॉम दिस मैंने आपको बड़ी इंपॉर्टेंट सी बात बताई थी कि अगर आपकी वायर सीधी नहीं है, ऐसी टिन्नू पुन्नू पुन्नू है, ठीक है, कैसी वायर, ऐसी टिन्नू पुन्नू पुन्नू है, ठीक, यस सर, कुछ इस तरह की वायर ऐसी, तो आपको क्या देखना है, ऐसी है सपोज करो वायर, यहाँ से नीचे वाले हिस्से को भी देखना है क्या, यस सर देखेंगे, हम तो दिखाई पड़ रहा है, देखेंगे वायर लेता हूँ, तो अगर जैसे ये है लेंथ ऑफ वायर जो है आपको, अभी तो आप पूरी एल ले लोगे सीधी, लेकिन वायर को मैं ऐसे कर दूंगा, आपको क्या देखना, इसका इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट, मतलब इफेक्टिव आपको इफेक्टिव लेंथ आपको देखनी है, इस चीज का आपको ख्याल रखना है। इसके ऊपर मैंने आपको क्वेश्चन किया तो बताया था, ये इंपॉर्टेंट चीज है प्यारा बच्चा, भूल नहीं जाना। ठीक है, ओके सर, चलिए तो अब बढ़ते हैं आगे, कुछ क्वेश्चंस भी लेंगे, कुछ कंसेप्ट भी पढ़ेंगे। ठीक, यस सर, इसी सर, ये सब चीजें आपको मैंने कल डिस्कस कर ली थी, राइट हैंड पाम रूल आपको डिस्कस कर लिया था, कहा था कि थंब ऑफ द फिंगर इन द राइट एंगल टू ईच अदर इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, फिंगर्स इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। ठीक है प्यारा बच्चा, आप यस मास्टर जी, सब चीजें हमने कल पढ़ ली थी, कल डिस्कस कर ली थी। ठीक है बेटा जी, आप कहेंगे यस मास्टर जी, बहुत ही बढ़िया। इसी के साथ पढ़ जाते हैं हम आगे की तरफ, हमने कुछ क्वेश्चन लिए थे और अब हम कुछ और क्वेश्चन लेने जा रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है वायर ऑफ लेंथ ए कैरीज अ करंट आई अलोंग दी वाई एक्सिस, वाई एक्सिस, तो मैं आपको बताया था लेंथ आपको अलोंग दी, तो यहाँ पर हमें पता है, इसमें पूछा हमसे कैलकुलेट द मैग्नेटिक फोर्स इन वेक्टर फॉर्म एंड इट्स मैग्नीट्यूड, तो फोर्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है बिल साइन थीटा, या फिर करंट आई बाहर रख लेते हैं एल बी, लव लव प्यार मोहब्बत वही वाला लव, एल बी ले पहले है बी बाद में, ओके सर, तो लेंथ क्रॉस बी करते हैं और लेंथ जो है अलोंग दी मैग्नेटिक आपकी उसी उसी डायरेक्शन होते हैं, किस डायरेक्शन में, इधर आपकी करंट फ्लो हो रहा होता है। ठीक है, ओके, तो लेंथ कितनी है, इसने कहा है लेंथ है हमारी ए, तो देखिए करंट किस डायरेक्शन में अलोंग दी y एक्सिस, तो करंट को कितना लिख सकते हो आप, या फिर जो लेंथ है उसको किधर लिख सकते हो, जिधर करंट जा रहा, करंट किधर में जा रहा, y एक्सिस क्या बोलते हो आप, j, तो ए जे बोल दो इसको, आप कहेंगे बिल्कुल सर, इसकी लेंथ होगा, इसका डायरेक्शन होगी, ठीक है सर, और दूसरा मैग्नेटिक फील्ड आपको दे रखा कितना है, आप कहेंगे सर जी बी नोट थ्री आई प्लस टू जे प्लस के, तो एल क्रॉस बी कैलकुलेट करते हैं सबसे पहले, एल क्रॉस बी कैसे कैलकुलेट करते हैं वो आपको मुझसे अच्छे तरीके से आता है, कुछ नहीं करना सर, जस्ट वेक्टर की कैलकुलेशन करनी है, वेक्टर प्रोडक्ट करना है, है ना, आप कहेंगे यस सर, ये बात तो हमें पता है पहले से, ओके, तो एल क्रॉस बी हम कैलकुलेट कर लेंगे बाद में, यहाँ पर इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर देंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर देंगे एल क्रॉस बी की वैल्यू। ठीक है, आप कहेंगे बिल्कुल सर ऐसा कर सकते हैं हम, तो आइए एल क्रॉस बी की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, तो आइए यहाँ पर आपको आई जे के लिखने की जरूरत मेरे ख्याल से नहीं है, या है, नहीं लिखना चाहते तो लिख लीजिए आई जे के,
यस सर, आई के कंपोनेंट एल यानी बस ए है इसमें, इधर जीरो इधर जीरो, इधर आपका 3, 2, 1, तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे आप, आई का कंपोनेंट कुछ रहेगा कि नहीं रहेगा, आई का कंपोनेंट करेगा ए इंटू वन माइनस टू इंटू जीरो, तो आई के साथ मल्टीप्लाई हो किसकी, ए की खाली, ठीक है ना, इसकी मल्टीप्लाई इससे माइनस दिस, बिल्कुल सही है सर। जे का कंपोनेंट माइनस का जे, तो दिस जीरो जीरो, तो कुछ नहीं बचा खत्म होगा कहानी, जे की मल्टीप्लाई किससे जीरो हो गई। एक के कंपोनेंट जीरो इंटू टू, जीरो इंटू टू जीरो माइनस थ्री है, ऐसे कुछ कहानी हो जाएगी। इसको मैं इसलिए कह रहा था कि आप डायरेक्ट में मल्टीप्लाई कर सकते हो क्रॉस प्रोडक्ट, इसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। जे की आई से मल्टीप्लाई करोगे माइनस का आपका आएगा, है ना, ओके सर। बी नोट तो आपका साथ में है, बी नोट को मैंने अंदर नहीं रखा, बी नोट को बाद में रख लेना, ठीक है, तो करेंगे आप कहेंगे सर ठीक है, तो बी नोट बाहर है ही ऑलरेडी, तो अंदर आ जाएगा ए आई माइनस थ्री के, थ्री ए के, थ्री ए के, ए को भी आपने कॉमन ले सकता था, ठीक है, तो यहाँ पर ले लीजिए बी नोट और एन टू ए आई माइनस थ्री के, आपका आ गया, आपका एल क्रॉस बी की वैल्यू ये आ गई, ठीक है। आप कहेंगे ठीक है सर, इसको पटक दीजिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में इक्वेशन नंबर पटक दो, तो कितना आ जाएगा हमारा, तो आप कहेंगे एफ इक्वल टू करंट कितना फ्लो हो रहा, आप कहेंगे सर आई, ठीक, ओके, एल क्रॉस बी की वैल्यू कितनी, बी नोट ए आई माइनस थ्री के, तो आपको आंसर दिख ही गया होगा कौन सा, बी नोट ए आई, आपका ए फोर एफ प्लस करेक्ट आंसर। दूसरे पार्ट में इसने पूछा था मैग्नीट्यूड कितना होगा इसका, तो मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना इज नॉट अ बिग थिंग, बी नॉट ए आई तो बाहर रख लो, आई माइनस थ्री का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सर वन का स्क्वायर प्लस थ्री का स्क्वायर, माइनस का थ्री है प्लस का थ्री कोई फर्क नहीं पड़ता, तो थ्री थ्री नाइन प्लस टेन, तो आपका टेन रूट टेन बी नॉट ए आई, बी नॉट ए आई विल बी द मैग्नीट्यूड। मेरे ख्याल से बात आपको समझ में आ गई है, इसको नोट डाउन करना, इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन हमसे कहा कह रहा है भैया, क्वेश्चन कहे हैं अ करंट ऑफ 1 एम्पीयर इज पासिंग पास्ट ओवर अ वायर ऑफ लेंथ 0.5 मीटर, इट इज प्लेस्ड नॉर्मली इन अ फील्ड ऑफ 4 वेबर, देन द फोर्स एक्टिंग ऑन द वायर इन द न्यूटन विल बी, तब बहुत ही आसान सी कहानी, आपको पता है फोर्स इक्वल टू होता है बिल साइन थीटा सर, क्या होता है बिल साइन थीटा, बिल साइन थीटा नहीं याद रखना, आप आई एल क्रॉस बी याद रखिए ज्यादा बेहतर है, ठीक है, कभी याद ना आए तो तब बिल साइन थीटा इस्तेमाल करना, एल बी लबेती है दुआ बन की जो बड़ी, ऐसा कुछ गाना है ना, यस सर कोई वाला, ऐसे याद रखना लब, ठीक है, ओके। तो प्यारा बच्चा आपका करंट कितना पेंगे 1 एम्पियर, लेंथ कितने सजे 0.5 एम्पियर, आपका मैग्नेटिक फील्ड कितना 4, और इनके बीच का एंगल सर उसको क्या करेंगे, इसने खुद बताया है क्या है आपका नॉर्मली, नॉर्मली का मतलब क्या था परपेंडिकुलर, क्या था परपेंडिकुलर सर, तो मतलब इनके बीच का एंगल कितना 90 डिग्री है, तो आपको टेंशन नहीं लेनी चाहिए साइन 90 की वैल्यू 1, तो बस इतनी की मल्टीप्लाई करके आपका आंसर आ चुका 2, यानी ए फोर आपका इज द करेक्ट आंसर, अरे 4 5 20 20, ठीक है, एक पॉइंट इधर लगा दिए 2 आ गया, 2 आपका 2 इज द करेक्ट आंसर, 2 न्यूटन इज द करेक्ट आंसर, फोर्स विल कम आउट टू बी 2 न्यूटन। चलिए बहुत आसान सा क्वेश्चन था, बेसिक सा क्वेश्चन, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए बालक नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ लीनियर कंडक्टर ऑफ लेंथ 40 सेंटीमीटर, तो लेंथ हमें दी हुई है कितनी, लेंथ 40 सेंटीमीटर या फिर आप कहिए 40 × 10⁻²² मीटर, कैरिंग अ करंट 3 एम्पीयर, करंट के लिए दे रखी कितनी 3 एम्पीयर एम्प्स इन अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ये 500 गॉस, यानी मैग्नेटिक फील्ड दे रखा 500 गॉस, आपको पता होना चाहिए गॉस इज आल्सो द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, जो सर गॉस थे वही गॉस, हाँ उसी साइंटिस्ट के ऊपर नाम भी पढ़ा हुआ है इनका भी, ठीक है जी, ओके। तो इसका क्या रिलेशन रहता है, आप इसको ध्यान में रखेंगे, 1 गॉस इक्वल टू होता है, 1 गॉस इक्वल टू होता है बेटा 10⁻⁴ टेस्ला, टेस्ला इसकी ऐसा यूनिट है लेकिन गॉस इज आल्सो द यूनिट ऑफ दिस, तो इसको आप लिख सकते हैं 500 × 10⁻⁴ टेस्ला, क्लियर सर। इफ अ कंडक्टर मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द फील्ड, फील्ड मतलब मैग्नेटिक फील्ड, देन द फोर्स एक्टिंग ऑन इट विल बी, आपको पता है फोर्स मैग्नेटिक फोर्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है कितना, करंट एल क्रॉस बी, यानी कि एल बी साइन थीटा, लिख दीजिए एल बी साइन थीटा, एल क्रॉस बी ना लिख करके आप एल बी साइन थीटा लिख दीजिए, बिल साइन थीटा लिख दीजिए जो आपको ठीक लगे। तो करंट कितना है, आप कहेंगे सर 3 एम्पीयर, लेंथ कितनी आप कहेंगे 40 × 10⁻², सर मैग्नेटिक फील्ड कितना आप कहेंगे सर 500 × 10⁴ को 5 × 10⁻², बोल सकता हूँ ये दो जीरो है सर, कट्टा बुट्टा हो गए, ठीक है, आप कहेंगे ठीक है सर। और साइन 30, साइन 30 होता है बेटा, साइन 30 मतलब 1/2, हटाइए 1/2 लिख देते हैं,
तो कट्टम पुट्टा करो, कट्टम पुट्टा किससे किसको करूँ सर, दो से काट दीजिए 20 को, और 20 पंजे 100, ये रहा 20 और यह 5, 20 पंजे 100, इसको 10 की पावर माइनस 2 कट कर दो, तो बचा कितना 3 × 10 की पावर माइनस 2, और तो कुछ बचता नहीं है। यस सर, आपका ऑप्शन है C4 चेन्नई इसके करेक्ट आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है, क्या कह रहा है सर, क्वेश्चन कह रहा है, अ वायर PQR इज बेंट एज शोन इन द फिगर एंड इज प्लेस्ड इन अ रीजन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, ओके, द लेंथ PQ इक्वल टू QR इक्वल टू L, ओके, PQ इक्वल टू QR इक्वल टू L, करंट I, एम्पीयर फ्लो थ्रू द वायर एज शोन, द मैग्नेटिक फोर्स मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑन द PQ एंड QR विल बी, बहुत ही आसान सी कहानी है, मैंने आप लोगों को बताया था, L क्रॉस B होता है, फोर्स इक्वल टू I L क्रॉस B होता है, यानी L B sin थीटा कह दीजिए, एल और बी के बीच में साइन कितना एंगल है, अब देखिए ये वाली जो हिस्सा है और पी क्यू वाला जो हिस्सा है, पी क्यू इसी का लूंगा, मैग्नेटिक फील्ड भी इसी का लूंगा, कितना एंगल 0, तो आपका जो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड होगा, यानी कि वायर पी क्यू की वजह से आपका फोर्स ड्यू टू पी क्यू, तो कितना होगा, आप कहेंगे सर आई एल क्रॉस बी, यानी आई एल बी साइन थीटा होता है, कितना साइन 0 कितना होता है, आप कहेंगे सर साइन 0 तो 0 ही होता है, तो साइन 0 0, तो ये वाला टर्म तो गया, क्यों, क्योंकि आपका जो मैग्नेटिक फील्ड है इट इज पैरेलल टू पी क्यू, पी क्यू के पैरेलल है, आप कहेंगे यस सर मैग्नेटिक फील्ड इधर है, आप देखो ना ये वाला हिस्सा, इधर पी क्यू है, इधर आपका मैग्नेटिक फील्ड है, बिल्कुल सर, तो खत्म हुई इसकी दुकान, यस सर, बसता है ये वाला हिस्सा, ये इसके परपेंडिकुलर है, तो कितना हो जाएगा आई एल बी साइन 90, साइन 90 के लिए कितनी होती है सर 1, तो बी आई एल बचेगा, यानी कि आपका कौन सा आंसर सही है, आपका सी फोर चेन्नई इसका करेक्ट आंसर, ठीक है, Having each part of length L and carrying a current, सबकी length L L, ये भी L है, ये भी L है, ये भी L है, ये भी L है, यहाँ से यहाँ तक भी, ठीक है, सब L है, बिल्कुल सर, a uniform magnetic field B is placed parallel to the positive Y axis, ऊपर देखे Z axis है, इधर आपके Y axis है, पक्की बात है, इधर की तरफ आपके X axis होगी, आपकी तरफ X axis, ऐसे कुछ है, the force acting on wire ED, ED कौन सा, ये वाला हिस्सा जो है, will be ED equal to length L है, तो कितना हो जाएगा, देखिए बालक आपका ऐसा समझिए, आपका जो करंट है वो आपकी तरफ आ रहा है इधर, मान लो एक्स एक्सिस आपका करंट है इधर, तो लेंथ भी आप इसी के लोग लेंगे, यस सर, तो L इधर है, और आपका B मैग्नेटिक फील्ड किधर है, इधर किधर वाला वाई एक्सिस में, तो आपका दिस क्रॉस दिस, यहाँ से तो आपका मैग्नेटिक फोर्स किधर लगेगा, ऊपर की तरफ कौन से, ये आपके कौन से जेड एक्सिस, तो जेड एक्सिस में रहेगा आपका आंसर, तो आपका ये दोनों तो हो नहीं सकते C और D, अब देखिए ऊपर की तरफ कौन सा पॉजिटिव जेड एक्सिस, तो बी फोर बॉम्बे इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन कह रहा है, अ वायर ऑफ लेंथ लैम्डा कैरीज अ करंट आई अलोंग द एक्स एक्सिस, तो पहले लिख लीजिए जो यहाँ पर लेंथ होगी वो आपकी कितना लिखोगे आप, लेंथ जितनी लेंथ है लैम्डा और किधर आई एक्स, आई मतलब एक्स एक्सिस मतलब आई, करंट आई जा रहा है, ठीक है, करंट भी आई जा रहा है, एक्स एक्सिस में आ रही है, तो आपका करंट अलोंग दी एक्स एक्सिस, तो इसलिए आई लिख लिया मैं, ठीक है, अब मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट विच इज गिवन बाय दिस, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू रखी है बी नॉट आई प्लस जे प्लस के इतने टेस्ला, द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन द वायर इज वेरी सिंपल क्वेश्चन, कितना होगा मैग्नेटिक आपका फोर्स, आपको पता है एल क्रॉस बी कर लीजिए सर, फोर्स इक्वल टू कितना था आई एल क्रॉस बी, अब चाहे तो पूरी मैट्रिक्स तैयार करो, नहीं बनाओगे तो भी चल जाएगा, क्यों सर, आई की मल्टीप्लाई आई से करोगे, वन बाई वन भी कर सकते हो, मतलब सर देखिए आई को ऐसे रख लो, लैम्डा और बी नॉट को बाहर रख लो, इससे तो कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, मल्टीप्लाई करनी है किसकी, आई की मल्टीप्लाई करनी है वेक्टर आई की, किसके साथ, क्रॉस प्रोडक्ट करना है आई प्लस जे प्लस के साथ, तो बेटा इसकी आई से करोगे तो आई क्रॉस आई, और आई और आई के बीच में एंगल कितना होता है, आप कहेंगे सर 0, तो साइन 0 खत्म ही तो टर्म, यस सर, प्लस आई क्रॉस जे से क्या बनता है, आप कहेंगे सर के बनता है, ये आपको याद होंगे, याद आया मुझे सर आई जे और के होता था इस तरह का, याद आ गया कुछ पुराने पाप, जैसे थोड़ी थोड़ी याद है सर, आई से कुछ आई यहाँ पर जे यहाँ पर के लिखते थे, सर्कल बना दो ईंट कुछ इन दोनों की मल्टीप्लाई करो अगला पहुंच जाएगा, किसी दो की मल्टीप्लाई करो तो अगला पहुंच जाएगा, इस तरह आई क्रॉस के करोगे, आई के बाद के नहीं आता, जे
ठीक है, तो ये अपोजिट है तो माइनस का जी आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा के माइनस जे, मतलब माइनस का जे प्लस के, क्रॉस मल्टीप्लाई आप कहेंगे यस सर, इतना आ गया आपका फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स। इसने पूछा मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड आपका ये सब तो वही रहेगा, आपकी कहानी बी लैम्बडा बी नॉट है तो ऐसी रहेगी आई लैम्बडा बी नॉट, इसका मैग्नीट्यूड निकाल लो, मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा सर, माइनस वन का स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर, मतलब रूट टू, टू कौन से में, तो रूट टू आई नॉट बी लैम्बडा बी नॉट है भाई, तभी कोई बात नहीं, ठीक है ओके। तो आपका डी फॉर डेली इसकी करेक्ट आंसर, डी फॉर डेली इसकी करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अ वायर लाइंग अलोंग वाई एक्सिस फ्रॉम वाई इक्वल टू जीरो टू वाई इक्वल टू वन, ठीक है ये एक्स एक्सिस मान लेते हैं, ये वाई मान लेते हैं, जेड मान लेते हैं, आपकी वायर पड़ी हुई है कहीं यहां पर, जीरो से लेके वन तक, ठीक है। कैरीज अ करंट टू मिली एम्पियर इन नेगेटिव वायर, मतलब करंट आपका ऐसे जा रहा नीचे, ठीक है। द वायर लाइज इन नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है गिवन बाय, ये वाई लिखा हुआ है पर वाई, जैसे जैसे आप वाई से दूर जाएंगे वाई की वैल्यू बढ़ेगी, आपका मैग्नेटिक फील्ड भी मजबूत होता चला जाएगा, ठीक है, वाई की वैल्यू पर डिपेंड करेगा। खाली 0.3 और 0.4 टेस्ला नहीं है, इसका ध्यान दें। आप कह रहा था मैग्नेटिक फोर्स ऑन द एंटायर वायर, इस पूरी पूरी वायर के ऊपर कितना होगा मैग्नेटिक फोर्स, ओके देख लेते हैं क्या कहानी, हमें पता है फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, इसको जरा साइड उठा करके हम साइड में रख देते हैं, आप जरा यहाँ बताइए मैडम, हम थोड़ा सा क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं, ठीक। तो बालक हमें पता है फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, आप कहेंगे सर आई एल क्रॉस पी होता है, ठीक, आप कहेंगे बिल्कुल सही है। लेंथ ऑफ वायर कितनी है, 1 मीटर है, आपको दिखाई पड़ रही है, और किधर की तरफ जा रहा है करंट इसमें, आप कहेंगे सर नेगेटिव वाई एक्सिस, मतलब माइनस जे लिख सकता हूँ, आप कहेंगे बिल्कुल सर। क्रॉस प्रोडक्ट किस वेक्टर बी के साथ, तो 0.3 वाई आई प्लस 0.4 वाई जे इसका प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, तो कर लेते हैं क्रॉस प्रोडक्ट, इनका आई से रखिए, जे की मल्टीप्लाई आई माइनस को सिंबल को भी बाहर कर दीजिए आप कंफ्यूजन ना हो इससे, ये आई जो लिखा हुआ है करंट है, तो माइनस सिंबल में बाहर कर दिया, जे क्रॉस आई आपको पता है आई के बाद जे आता है, जे के बाद के आता है, और के बाद फिर से आई आ जाता है, सर्कल दो बनाते हैं, तो जे के बाद अगर आई आ रहा है, तो जे के बाद आई आ रहा है, तो चेन गड़बड़ हो रही है, जे के बाद आंसर तक के आपका आंसर आएगा तो के ही, लेकिन माइनस का के आएगा, ठीक ओके सर, जे की मल्टीप्लाई जे के साथ जीरो को मतलब नहीं है, ठीक आपने ठीक है सर, और साथ में सर वाई भी है, वाई भी लिखा हुआ है मैंने, ओके आपका आंसर आ गया माइनस माइनस प्लस हो गया, तो आपका आंसर जो आ गया आई वाई और वेक्टर के, आई वाई और वेक्टर के, ठीक, ओहो 0.3 तो है सर, अच्छा हाँ 0.3 भी है, 0.3 भी है हमारा, 0.3 भी है साथ में, 0.3 वाई है ना, बिल्कुल सर ठीक है, तो इतना आपका 0.3 आई वाई के, ठीक आप कहेंगे बिल्कुल ठीक है सर, अच्छा 0.3 को ऐसे लिखिए, करंट कितना आपने कहा सर 2 मिली एम्पियर है, तो इसको बोलो 2 इंटू 10 की पावर माइनस कितना 3, एग्री बिल्कुल सर 2 इंटू 10 की पावर माइनस 3, और कुछ बचता है वाई बचता है और आपका के बचता है इंडेक्स ऑफ के, तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो 2, 2, 3, 6, 0.6, तो 6 इंटू 10 की पावर माइनस 4 वाई और के भी बचा हुआ है, ठीक है भाई बच्चा, आप कहेंगे ठीक है सर जी एग्री हो, आप कहेंगे सर बिल्कुल एग्री है अभी तक, तो लेंथ ऑफ वायर ये सब ठीक है, तो इस हिसाब से तो हमारा आंसर कौन सा आना चाहिए, आप कहेंगे सर वाई है, लेकिन अभी तो क्वेश्चन पूरा सोल्व नहीं हुआ, कुछ तो गड़बड़ कर रहे हैं Isn't it? आप कहेंगे बिल्कुल सर कुछ तो गड़बड़ हमसे हो रही है कहीं ना कहीं, ठीक, तो क्या गड़बड़ है, किसकी गलती, गलती किसकी कहां से हुई, अब क्या क्या जाना चाहिए इसमें, देखो बेटा इसमें हम क्या कर सकते हैं वो चीज समझते हैं, हमने कहां गड़बड़ की है, अगर नॉन यूनिफॉर्म है तो वी नीड टू इंटीग्रेट, हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा चीजों को, तो हमें ये जो अप्रोच ली है अप्रोच सही नहीं है, क्या बात कर रहे हो सर, हाँ जी
इसका आपका आंसर सही नहीं आ पाएगा। इंटीग्रेशन कर रहे हो आपका क्यों आपको इंटीग्रेशन करने की जरूरत है, क्योंकि आपने जो यहाँ पर लेंथ ली है, ये जो लेंथ ली है, यस सर, जिस पर्टिकुलर लेंथ के अक्रॉस जो मैग्नेटिक फील्ड रहेगा वो अलग अलग जगह पर अलग अलग रहेगा। भाई यहाँ लेंथ का ये वाला हिस्सा जो है इस पर आपका मैग्नेटिक फील्ड कुछ और, इस वाले हिस्से पर मैग्नेटिक फील्ड कुछ और, ओ मैग्नेटिक फील्ड चेंजिंग। लेकिन हमने क्या किया, सिंपली लेंथ ले लिया तो ये गड़बड़ है हमारी। तो हम क्या करेंगे, छोटा सा फोर्स ले चाहिए, छोटा सा फोर्स कितना होगा आई, छोटी सी लेंथ डीएल क्रॉस जो भी आपका मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड की हमारे पास इक्वेशन ऑलरेडी है, ठीक, आप कहेंगे बिल्कुल ठीक है सर। तो आई को तो अभी फिलहाल ऐसे ही रखिए, डीएल को, डीएल किस डायरेक्शन में आप करेंगे सर, वाई एक्सिस में। तो छोटा सा डीएल, छोटी सी लेंथ डीएल की जगह मैं कह ले सकता हूँ छोटी सी वाई, डी वाई लिख लेता हूँ, आप कहेंगे बिल्कुल सर। किस डायरेक्शन में, माइनस जे में है और डी वाई लिख लेता हूँ, ठीक है बेटा। माइनस जे वैक्टर आपका बता रहा है वाई एक्सिस में, नेगेटिव में, और डी वाई आपका क्या बता रहा है, वो छोटी सी लेंथ वाई इंटू मैग्नेटिक फील्ड। आप मैग्नेटिक फील्ड को वापस अपना पटक दीजिए, जो आपकी वैल्यू है 0.3 वाई आई प्लस 0.4 वाई जे, एग्री, आप कहेंगे एग्री है सर, ओके। चलिए पढ़ते हैं, तो आगे आगे बढ़िए सर। अब जरा क्रॉस प्रोडक्ट कीजिए, अब देखिए क्रॉस प्रोडक्ट में चीजें तो यही आएंगी, कुछ एक चीज टर्म और एक्स्ट्रा आएगा। तो यहाँ पर माइनस आई को आप बाहर रख लीजिए, रख लिया सर, माइनस आई को बाहर रख लिया, ये सॉरी सॉरी ये इसके ऊपर वेक्टर नहीं लगा देना, ये आपका करंट है, इसको कैपिटल से नोट कर लेता हूँ, कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा, करंट को कैपिटलाइज नोट कर लेते हैं, ठीक। जैसे जे की मल्टीप्लाई आई से करेंगे तो जे इंटू आई आएगा के, और कैसा आएगा, माइनस का के, एक माइनस ये रहा और एक और माइनस का के यहाँ पर आ जाएगा, और मल्टीप्लाई में क्या रहेगा, डी वाई रहेगा सर, जैसे आपका 0.3 रहेगा और आपका उधर का वाई रहेगा, एग्री, आप कहेंगे ठीक है सर। और दूसरा टर्म जब इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी तो ये तो हो जाना है जीरो, इट विल बिकम जीरो, भाई ये आपका जे है, ये भी आपका जे है, तो ये तो जीरो हो जाने वाला है, खत्म करनी इससे मल्टीप्लाई करो, जीरो बस जीरो, एक आप कहेंगे ठीक है सर। माइनस माइनस आपके प्लस हो जाएंगे, तो आपको बचता है करंट आई, ये छोटा सा फोर्स है डी एल, करंट आई 0.3 बचता है और बचता है वाई और डी वाई, ठीक। टोटल फोर्स करने के लिए क्या करोगे, तो सर 0.3 आई को तो बाहर कर लेते हैं, इंटीग्रेट कर लेते हैं वाई डी वाई को, वाई कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, आपका जीरो से लेकर आपका वन तक वेरी कर रहा है, वास्तव में भाई भाई लेंथ जो है वायर की कहाँ से कहाँ से, जीरो से लेकर वन तक है, बिल्कुल सर, इसको इंटीग्रेट कर लीजिए, वाई डी वाई का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सर वाई स्क्वायर बाई टू, वाई स्क्वायर बाई टू, इधर खोपचे में इंटीग्रेशन कर देता हूँ, वाई वाई डी वाई का, वाई डी वाई जीरो से लेके वन तक, तो वाई स्क्वायर बाई टू कहाँ से कहाँ तक, जीरो से लेके वन तक, तो कितना जाएगा, वन का स्क्वायर बनेगा तो वन बाई टू आ जाएगा, इसके लिए पटक दो सीधी वन बाई टू, तो 0.3 इंटू आई इंटू वन बाई टू, ठीक, आप कहेंगे ओके सर जी। इसके बाद 0.3 करंट के लिए कितनी थी, आपने कहा सर 2 मिली एम्पीयर थी, 10^-3 इंटू 1/2, तो 2 से 2 मर गया, तो बचता कितना आपका 0.3 इंटू 10^-3 मतलब 3 इंटू 10^-4, और डायरेक्शन क्या रहेगी, के, के में सर कहानी चल रही है ना, के में चल रही है ना सर, यस सर, ये है ना के था यहाँ पर, आप कहेंगे यस सर, तो सारी कहानी के डायरेक्शन, 3 × 10^-4 इन द डायरेक्शन ऑफ के, यानी आपकी जेड एक्सिस में, कौन सा आंसर हो जाएगा, आप कहेंगे 3 × 10^-4 इन द डायरेक्शन ऑफ के, आपका डिफॉल्ट एंगल विल बी आंसर, डिफॉल्ट एंगल विल बी योर आंसर, ठीक है। चलिए बच्चों, सभी बच्चों को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, और मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बाय बाय, टेक केयर।